उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मंगलवार को सपा कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर घर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन करते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संकल्प लिया। साथ ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष DP यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का माहौल बना रही है। घर घर तिरंगा अभियान का स्वागत समाजवादी पार्टी के द्वारा भी किया गया। मुरादाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने समाजवादी कार्यालय पहुंचकर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा फहराने का संकल्प लिया। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी करते हुए कार्यालय पर तिरंगा फहराया। इसी संदर्भ में जिला अध्यक्ष DP यादव ने कहा कि सभी विधानसभा में कार्यकर्ता अपने घर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। 9 अगस्त वह दिन है जब 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत की थी और फिर 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन भाजपा गरीबों और अल्पसंख्यकों की मदद न करके लोकतंत्र का माहौल बना रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एक सप्ताह पर स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में हम लोग शहीदों को नमन और संविधान की रक्षा के लिए ये संकल्प लिया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, अरुण आसिफ अली जी, उषा मेहता जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो 9 अगस्त 1942 को जो एक नए आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन की बीड़ा उठाया था उनको याद करते हुए और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए ये हमारा झंडा का 15 अगस्त तक कार्यक्रम है। आज हमने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हमारे सारे पार्टी के सम्मानित नेताओं द्वारा झंडा फहराया गया है और ये क्रम हमारा भी चलता रहेगा। इस अवसर पर आपको जनता को संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश ये है, स्वतंत्रता आंदोलन में जिन शहीदों ने, जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार उसके खिलाफ जा रही है। जिन गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, देश के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। और जो लोग इस लड़ाई में नहीं शामिल थे, आज वो लोग लोकतंत्र का मखौल बना रहे हैं।